लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। परदेसियों से ना आंखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिल जाना। बेखुदी में सनम उठ गए वो कदम, आ गए आ गए आ गए पास हम। शशि कपूर वो एक्टर थे जिनकी स्माइल और स्टाइल की दुनिया दीवानी थी। वो सामने होते थे तो बला की खूबसूरत हीरोइनें भी अपने डायलॉग्स भूल जाती थी। जो भी उन्हें देखता बस देखता रह जाता। बॉलीवुड की हीरोइनें तो छोड़िए, कई विदेशी हीरोइनें भी उनकी एक झलक पाते ही उन्हें दिल दे बैठती थी। अब वो थे ही इतने हैंडसम, लड़कियों में उन्हें लेकर गजब की दीवानगी थी। लेकिन वो खुद सिर्फ एक लड़की के दीवाने थे और ताउम्र उन्होंने बस उसी से प्यार किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड लीजेंड सितारों का सफरनामा और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो दोस्तों, बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हुए जो हिंदी सिनेमा में आए, संघर्ष किया, नाम कमाया और फिर शादी करके सेटल हो गए। लेकिन सिने जगत का एक सितारा ऐसा भी था जिसने प्यार किया, प्यार को पाने के लिए अपने घर वालों से बगावत की, फिर शादी की और तब कहीं जाकर बॉलीवुड में नाम कमाया। आज के शो में हम बात करने वाले हैं कपूर खानदान के तीसरे चश्म चिराग शशि कपूर साहब की, जो बड़े कपूर साहब यानी पृथ्वीराज कपूर के सबसे छोटे साहबजादे थे। शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को पृथ्वीराज कपूर के घर कोलकाता में हुआ, तब का कलकत्ता। बताया जाता है कि उन्हें उनकी माँ जन्म नहीं देना चाहती क्योंकि उनके पहले से ही दो बेटे थे, वो तीसरा बच्चा चाहती ही नहीं थी। कहा यह भी जाता है कि शशि की माँ ने कई तरह की कोशिशें की जिससे तीसरे बच्चे का जन्म न हो सके, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बाद भी शशि कपूर का जन्म हुआ। इसी वजह से शशि खुद को जीवन भर अनचाही औलाद मानते रहे। शशि के बचपन का नाम बलबीर राज कपूर था जो कि उनकी दादी ने रखा, लेकिन उनकी माँ को यह नाम पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने तीसरे बेटे को शशि नाम से बुलाना शुरू कर दिया। क्योंकि शशि कपूर बिना प्लानिंग के पैदा हुए थे इसलिए उनकी माँ उन्हें प्यार से फ्लूकी भी बुलाती थी, इसका मतलब होता है संयोगी। शशि कपूर की स्कूलिंग मुंबई के डॉन बॉस्को में हुई थी, जहां उनकी दोस्ती फारूख इंजीनियर से हुई थी जो आगे चलकर एक मशहूर क्रिकेटर बने। दोनों के बारे में एक किस्सा बड़ा मशहूर है। वो हुआ ये कि एक दिन दोनों क्लासरूम में बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे, अचानक टीचर ने देख लिया और एक डस्टर फेंक कर शशि की तरफ मारा। लेकिन शशि के दोस्त फारूख इंजीनियर ने उनकी आंखों से यानी शशि की आंखों से बस कुछ इंच पहले ही उस डस्टर को कैच कर लिया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो शशि कपूर की एक आंख में गहरी चोट लग सकती थी। इस किस्से को लेकर फारूख अक्सर शशि कपूर को ये कहकर चिढ़ाते थे कि ए, अगर मैंने उस दिन डस्टर न पकड़ा होता तुम्हें सारी जिंदगी सिर्फ डाकू के ही रोल मिलते, क्योंकि आंख के नीचे कट तो आ ही जाता। क्योंकि शशि कपूर एक बड़े घराने से आते थे और पूरा परिवार कहीं ना कहीं रंगमंच से जुड़ा भी हुआ था, तो शशि का इंटरेस्ट भी उसी तरफ जाने लगा। वो भी अपने पिता और भाई की तरह फिल्मों में एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन पृथ्वीराज कपूर चाहते थे कि वो भी पहले अपने भाइयों की तरह संघर्ष करें और अपनी मेहनत से अपने बलबूते एक्टर बनकर दिखाएं। लिहाजा शशि कपूर ने बचपन से अपने सबसे बड़े भाई राज कपूर की फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया। कुछ बड़े हुए तो पिता पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप से जुड़ गए और जगह जगह जाकर नाटक करने लगे। साल 1953 से लेकर 1960 तक उन्होंने सैकड़ों नाटक पृथ्वी थिएटर से जुड़कर किए। उसी दौरान उन्होंने एक विदेशी लड़की को देखा, दिल दे बैठ। ये किस्सा साल 1955-56 का है जब तक शशि 18 साल के हो चुके थे। कलकत्ता के एक थिएटर में वो अपने पिता के साथ एक नाटक कर रहे थे। वो देखना चाहते थे कि नाटक देखने के लिए कितने दर्शकों की भीड़ आई। इसके लिए उन्होंने पर्दे के पीछे से झांक कर देखा, तभी उनकी नजर आगे से चौंकी। लाइन में बैठी दो लड़कियों पर बड़े आपस से बातें कर रही, उनमें से एक विदेशी लड़की को देखते ही शशि उन पर विदा हो गई। थिएटर के बाद उस लड़की के बारे में जब पता किया तो पता ये चला कि वो शेक्सपियर थिएटर ग्रुप का हिस्सा है और गॉड फ्रैंक कैंडल की बेटी जेनिफर कैंडल। जेनिफर का नाटक भी उसी थिएटर में होना था जहां शशि कपूर अपने पिता के साथ नाटक कर रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब चार्मिंग हैंडसम बॉय शशि कपूर किसी लड़की को इतना पसंद करने लगे। बस फिर क्या था, उन्होंने वहां मौजूद अपने दोस्तों से गुजारिश की किसी तरह वो उन्हें उस लड़की से मिलवा दे। शशि की गुजारिश पर उनके कजन शुभी राज ने दोनों के मिलने का प्लान बनाया और उनकी मुलाकात करवा दी। मुलाकात के वक्त शशि कपूर बहुत ज्यादा घबराए थे जबकि जेनिफर बिल्कुल नॉर्मल थी। इसके बाद तो दोनों की मुलाकातों का एक सिलसिला ही चलता रहा, लेकिन शशि स्वभाव से बहुत शर्मीले थे जिसकी वजह से जेनिफर उन्हें गे समझने लगी थी।
बाद में जेनिफर का ग्रुप उन्हें अपना नाटक देखने के लिए बुलाने लगा और एक वक्त ऐसा भी आया जब शशि कपूर ने जेनिफर का ग्रुप ज्वाइन कर लिया और उनके साथ ढेर सारे नाटक भी किए। एक बार जेनिफर के ग्रुप का एक लड़का बीमार पड़ गया तो उसकी जगह शशि कपूर ने सिंगापुर जाकर नाटक किया। एक बार दोनों प्रेमी जोड़ा ऊटी में एक नाटक कर रहा था, उस दौरान शशि ने जेनिफर की मुलाकात अपनी माँ और भाभी से करवाई। दोनों को जेनिफर काफी पसंद आया और उसी वक्त शशि की माँ ने अपने गले से सोने की चेन उतार कर जेनिफर को पहना दी। अब माँ और भाभी की रजामंदी तो मिल ही गई, लेकिन सख्त मिजाज पिता से अपनी शादी की बात कैसे करें। तो इसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने बड़े भाई शम्मी कपूर को दे दी। अब शम्मी कपूर ने अपने पिता से दोनों की शादी की बात की, लेकिन पृथ्वीराज कपूर विदेशी मूल की बहू अपने खानदान में नहीं लाना चाहते थे। सारे परिवार ने जोर दिया तो आखिरकार उन्हें भी हाँ करनी ही पड़ी, लेकिन अब जेनिफर की फैमिली इस शादी के खिलाफ हो गई। यहाँ एक और पेच आ गया, मगर जेनिफर के आगे उनकी भी ना चली। इस तरह से दोनों के परिवार की रजामंदी से प्रेमी जोड़े ने 1958 में शादी की। जेनिफर से शादी के बाद शशि कपूर की जिंदगी बढ़िया चल रही। दोनों एक दूसरे का खूब ख्याल रखते थे, बेहद खुश थे। शशि अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने परिवार के साथ बिताते थे और शराब सिगरेट से दूर रहा करते थे बहुत, इस वजह से काफी फिट भी थे शशि। शादी के एक साल बाद ही कपूर खानदान में बच्चे की पिटारी गूंजी और शशि के पहले बेटे कुणाल कपूर का जन्म हुआ। शशि कपूर 21 साल के हो चुके और कुछ खास काम धंधा नहीं कर रहे। उनकी और उनके बच्चों की जिम्मेदारी भी परिवार के बाकी सदस्यों पर ही थी। लिहाजा एक दिन वो उठे और काम की तलाश में फिल्म डायरेक्टर सोहराब मोदी के पास पहुंचे। इस तरह उन्हें फिल्म गेस्ट हाउस में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का मौका मिला। फिर उन्होंने फिल्म दूल्हा दुल्हन श्रीमान सत्यवादी में भी असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया। पहली बार उन्हें यश चोपड़ा की फिल्म धर्मपुत्र में लीड एक्टर के तौर पर काम करने का मौका मिला। इसके बाद प्रेम पत्र, चार दीवारी, मेहंदी लगी मेरे हाथ जैसी फिल्मों में काम करने के बाद उनकी जिंदगी में डाउनफॉल भी आया। उस वक्त उनकी जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया जब उन्हें अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स कार तक बेचनी पड़ी थी। उनकी पत्नी जेनिफर ने भी घर चलाने के लिए अपना कीमती सामान बेचना शुरू कर दिया। उस बुरे दौर में उनकी दोस्त नंदा ने उनकी बहुत मदद की और उन्हें जब जब भूल भुले में काम दिलाया। इस फिल्म से शशि कपूर के करियर के फिल्मी गाड़ी फिर से चल पड़ी, या कहिए दौड़ पड़ी। फिल्म में शशि कपूर ने जो अमर किरदार निभाया था उसे जीवंत बनाने के लिए एक, जिसमें जो एक्टर थे उनका नाम भी अमर ही था, उस किरदार का नाम, उस किरदार को जीवंत बनाने के लिए महीनों तक कश्मीर में नाविकों की जिंदगी को और करीब से जानने के लिए उन्होंने अच्छा खासा वक्त दिया। उस रोल को समझने के लिए, उन मैनरिज्म्स को सीखने के लिए। इसके बाद तो शशि और नंदा की जोड़ी सुपरहिट हो गई और दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। एक तरफ एक के बाद एक शशि कपूर की फिल्में हिट होती जा रही थी तो दूसरी तरफ उनका चांद लड़कियों में बढ़ता जा रहा था। एक बार उस वक्त की टॉप हीरोइन रही शर्मिला टैगोर ने बताया था कि फिल्म कश्मीर की गली की शूटिंग के दौरान वो अपना ध्यान शशि कपूर से हटाकर एक्टिंग पर लगा ही नहीं पा रही थी, तो उस वक्त वहाँ अपने बड़े भाई शशि कपूर से मिलने आए। इसके लिए उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर से उन्हें कुछ वक्त के लिए सेट से हटाने तक की मांग कर दी ताकि वो अपना काम पूरा कर पाए। सोचिए, शर्मिला टैगोर जैसी खूबसूरत एक्ट्रेस शशि कपूर को देखकर एक्टिंग नहीं कर पा रही थी, उनसे निगाहें नहीं हटा पा रही। वो इतने हैंडसम और खूबसूरत इंसान भी थे, क्या कहा जाए, दुनिया दीवानी। इसी तरह इटालियन एक्ट्रेस जीना लोलो ब्रिगिडा भी शशि की खूबसूरती की दीवानी थी और उनकी एक झलक पाते ही उन्हें अपना दिल भी दे बैठी थी। उनका नाम तक नहीं जानती थी और प्यार कर बैठी थी। खैर, जिस तरह उनकी गोपियों की लिस्ट लंबी है, ठीक उसी तरह उनकी हिट फिल्मों की भी काफी लंबी लिस्ट है। वक्त, जुआरी, प्यार किए जा, कन्यादान, हसीना मान जाएगी, राजा साहब, बॉम्बे टॉकीज, रोटी कपड़ा और मकान, चोर मचाए शोर, दीवार, फकीरा, त्रिशूल, सत्यम शिवम सुंदरम, काला पत्थर, सुहाग, शान, नमक हलाल, ऐसी 100 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया, सुपरहिट काम किया। उस जमाने के वो इकलौते ऐसे एक्टर थे जिन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड की भी कई फिल्मों में काम किया। उस जमाने में फिल्मों में हॉट सीन्स भी दिए थे, क्योंकि एक फिल्म में तो इतने बोल्ड सीन थे कि उस पर रोक लगाने के लिए मामला कोर्ट तक पहुंच गया। जी हाँ, फिल्म का नाम था सिद्धार्थ, जो कि एक धार्मिक फिल्म थी, लेकिन फिल्म में सिमी ग्रेवाल के साथ फिल्माए गए उनके बोल्ड सीन्स ने तहलका मचा दिया, मामला कोर्ट तक पहुंचा और फिल्म पर रोक लगा दी गई। वो फिल्म विदेशों में तो रिलीज हुई, भारत में नहीं। वो अपने स्टारडम के पीक पर थे कि तभी साल 1983 उनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा लगा। उस साल में पता चला उनकी पत्नी जेनिफर का कैंसर, करीब 2 साल तक उनका इलाज चल रहा था। जेनिफर की मौत के बाद शशि कपूर टूट चुके थे, वो अपने घर में अकेले बैठे थे, न कहीं आते थे, न जाते थे, न किसी
पूरी तरह वो डिप्रेशन में जा चुके। जेनिफर के साथ बिताए सुनहरे 28 साल उनके बाद और उनके जाने के बाद भी करीब 30 साल वो अकेले ही। उन्होंने दोबारा शादी नहीं ना ही फिर से किसी को अपनी जिंदगी में दाखिल किया। बात करें अवार्ड्स की तो उन्हें फिल्मों में दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के और पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव देखते हुए इस दिलकश मिजाज अभिनेता ने 79 साल की उम्र में यह, लेकिन वो अपनी बेशुमार फिल्में अपने बेहतरीन गाने और शानदार यादगार अभिनय के जरिए हमेशा हमेशा के लिए अपने चाहने वालों के दिल में जिंदा है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।